गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसले से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिक गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद की इजाजत मांगी। ECC ने गंदम दरामद की मंजूरी दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने पहले 10 लाख टन गंदम दरामद करने की सभी तैयार की। वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हर किसी को गंदम मंगवाने की इजाजत दी। यकुम अप्रैल 2024 तक 43 लाख टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद थी। मार्च में सिंध में गंदम की नई फसल आने से गंदम दरामद की जरूरत नहीं रही थी। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसले से 1 अरब डॉलर का जर मुबादला ज़ाया हो गया। ज़राए नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक निगरान हुकूमत की गलत हिकमत अमली से आज गंदम के काश्तकार रुल गए हैं। वाज़ह रहे कि गंदम की कमी का मुबैना घपला सामने आने पर कराची पोर्ट से बहरी जहाज फरार हो गया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक 1500 टन कम गंदम निकलने पर बहरी जहाज आउटर एंग्लिस से फरार हो गया। अना अलिजाबेथ जहाज को 1500 टन गंदम कम निकलने पर आउटर एंग्लिस पर रोकने की हिदायत थी। ज़राए ने बताया है कि जहाज और गंदम मालिकान के दरमियान तनाज़े हल होने से कबल ही जहाज फरार हो गया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक माल पूरा होता है, इंश्योरेंस से रकम निकलवाने के लिए अमल किया जा रहा है।